तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आई एम शाहरुख यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, पिछला हफ्ता कैसा रहा दुनिया के लिए और देश के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आज हम बात करेंगे सबसे पहले भारत से। हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से वापिस आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मई 2019 को शाम को 7:04 पर अपनी फिर से शपथ ग्रहण समारोह उन्होंने किया, जिसमें मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के गृह मंत्री इस बार अमित शाह को बनाया गया है। राजनाथ सिंह को मिला है रक्षा मंत्रालय का पद और निर्मला सीतारमण बनी है देश की वित्त मंत्री। अरुण जेटली ने इस बार मंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया था तबीयत का हवाला देकर। देश के विदेश मंत्री में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। सुषमा स्वराज, आपको पता ही है, चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था तो उनकी जगह एस जयशंकर जो पूर्व विदेश सचिव थे उन्हें बनाया गया है विदेश मंत्री मोदी सरकार के द्वारा। नितिन गडकरी के पास वही पुराने मंत्रालय है परिवहन से संबंधित और जो रोड ट्रांसफर के वो मंत्रालय उनके पास थे वही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखे हैं जैसे कि अंतरिक्ष से जुड़े हुए, परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए मंत्रालय स्वयं पीएम मोदी के पास ही हैं। तो दोस्तों ये तो थी सरकार से जुड़ी खबरें। अब बात करते हैं देश के विपक्ष के बारे में। जब से विपक्ष ने चुनाव हारा है विपक्ष लगभग सदमे में जा चुका है। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि 1 महीने तक कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता मीडिया में नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर ही देखा गया है कि मीडिया वाले सरकार से सवाल जवाब करने के बजाय विपक्ष से ही सवाल जवाब करते हैं। तो उन्होंने ये फैसला लिया है। अब देखते हैं उनका फैसला किस हद तक सही साबित होता है या गलत साबित होता है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों को साफ कह दिया है कि वो 1 महीने में नया अध्यक्ष तलाश कर लें। राहुल गांधी का नाराज होना स्वाभाविक भी है क्योंकि कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या कहीं की बात करें, या फिर आप पी चिदम्बरम की बात करें, तो उन सभी लोगों ने अपनी पार्टी के लिए जितना जोर नहीं लगाया इतना कि अपने बच्चों को चुनाव लड़वाने में और उन्हें जिताने की बहुत कोशिश की, जिनमें से अधिकतर नेता चुनाव हार भी गए हैं। तो राहुल गांधी का नाराज होना उनसे बिल्कुल स्वाभाविक भी है, लेकिन देश में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। फिलहाल विपक्ष तो नहीं है, लेकिन विपक्ष को जैसा तैसा भी है उसे सरकार के सामने डटकर जनता के मुद्दे उठाने ही होंगे। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर आ रही है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। दोस्तों सरकार ने अर्थव्यवस्था के आंकड़े अब जबकि चुनाव खत्म हुए हैं तब जारी किए हैं, तो देश को बहुत बड़ा झटका लगा है। देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। जीडीपी के आंकड़े पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा नीचे डाउन आ चुके हैं, लगभग 5.7, और उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ इस पर जवाब देगी और कुछ कोशिश भी सरकार इसको संभालने के लिए करेगी। जबकि पहले हमारी जीडीपी चाइना से आगे थी, लेकिन इस बार हम चाइना से बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। अब बात करते हैं हम क्रिकेट की दुनिया की। क्रिकेट की दुनिया में जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 का आगाज हो चुका है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने अफ्रीका को लगभग हरा दिया है। और दूसरा मुकाबला हुआ वेस्टइंडीज पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान को हराकर वेस्टइंडीज ने पहला मुकाबला जीत लिया है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम उठाती है। अब बात करते हैं सिनेमा की। तो 5 जून को लगभग ईद के मौके पर, जैसा कि आपको पता ही है, सलमान खान की मूवी भरत रिलीज हो रही है। देखते हैं ये मूवी क्या प्रदर्शन करती है नहीं रही। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम आपको बताया करेंगे हर संडे को। ये हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।